हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सभी लोग अच्छे होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे, जबरदस्त होगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीआई एक्सप्रेस 16 स्लॉट के बारे में, जो कि एक्सटर्नल पीसीआई एक्सप्रेस 16 स्लॉट होगा, और एक मदरबोर्ड का पीसीआई 16 स्लॉट के बारे में। अब हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं, बेंचमार्क करने वाले हैं 16 स्लॉट मदरबोर्ड वाला और 16 स्लॉट एक्सटर्नल वाला। तो फिलहाल के मुझे काफ़ी अच्छा डील मिला अमेज़ॉन पे, और मैंने सोचा क्यों ना बाय कर लिया। 400 रुपये में मुझे एक ऑफ़र मिला जिसमें मुझे एक 16 स्लॉट पीसीआई एक्सप्रेस मिल रहा था, और मेरे मदरबोर्ड में भी पीसीआई एक्सप्रेस था 16 स्लॉट का। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंपेरिजन किया जाए, एक बैटल लगाया जाए 16 स्लॉट मदरबोर्ड के साथ और 16 स्लॉट पीसीआई एक्सप्रेस के साथ, जो कि एक्सटर्नल वाला। तब कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक एक्सटर्नल स्लॉट का यूज़ करते हो तो होता क्या है, आपको लेटेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे केबल आ जाता है, केबल का लेंथ आता है, बैंडविड्थ आता है, तो बहुत कुछ आ जाता है, तो लेटेंसी देखने को मिलता है। अब कितना लेटेंसी देखने को मिलता है वो तो हमें पता नहीं, फिलहाल के लिए बेंचमार्क करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं अपने स्कूल के टेरेस में हूँ, पार्सल रिसीव करना है, पार्सल रिसीव करने के बाद अनबॉक्स करेंगे, फिर उसको हम लोग अपने मदरबोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। तो और क्या बोलना था, बस यही। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, ग्राफिक्स कार्ड के लिए हम लोग यूज़ करें R7240, जो कि ऑसम ग्राफिक्स कार्ड है। मेरे पास R7260X था जिसका मैं हीट सिंक यूज़ कर रहा हूँ R7240, क्योंकि जो मेरा R7260X है वो डेड हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका R7260X का हीट सिंक यूज़ किया जाए। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो हीट है मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट आपका कूलिंग से, मतलब आपका जितना अच्छा कूलिंग दोगे उतना आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, मीन उतना अच्छा आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे फिलहाल के लिए हम लोग बेंचमार्क यूज़ करेंगे R7240 GDDR5 1GB वेरिएंट, और फिलहाल के लिए मैं पास और कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। गरीबों का सेटअप है यार, और कुछ कंट्रीब्यूट कर दो यार, पेटीएम नंबर नीचे दिया हुआ है। साथ ही साथ जो मेरा R7260X है, तो मैंने उस पर R7240 का हीट सिंक लगा के रखा है ताकि इसको ना हो जाए। और देख सकते हो मेरे पास जो R7260X है वो 2GB वेरिएंट GDDR5 वाला है। इसका CPU, इसका जो GPU डाई वो जल चुका है, इसकी वजह से हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन द बेंचमार्क।